हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी डिलीशियस हलवा, ड्राई फ्रूट्स हलवा। यहाँ पर मैंने लिए है बादाम, अंजीर, पिस्ता एंड अखरोट। इन सभी चीज़ों की क्वांटिटी मैंने इक्वल ली है। या चाहो तो आप एक कप का भी आप मेजरमेंट रख सकते हो। यहाँ पर मैंने ली है उड़द दाल। इन सभी चीज़ों को हमने बिल्कुल बारीक पीस लेना है। उड़द दाल को मैंने रोस्ट करके रखा था ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आएगी, तो पहले मैंने उड़द दाल को रोस्ट करके रखा था। एंड यहाँ पर मैंने जार में सभी चीज़ों को एक एक करके बिल्कुल स्मूथ इस तरह से पीस लिया है। उड़द दाल को भी मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है, पाउडर, फाइन पाउडर की तरह उड़द दाल को मैंने पीस लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़ी कढ़ाई। आप कोई भी खुला बर्तन यूज़ कर सकते हो। मैंने एक बड़ी सी कढ़ाई ऐड कर ली है क्योंकि उसमें जो है अच्छी तरह से पकाने का इसमें है, तो अच्छी तरह से खुले बर्तन में अच्छी तरह से पक जाएगा, तो इसीलिए मैंने इस तरह की बड़ी कढ़ाई ली है। एंड यहाँ पर घी हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब हमने इसमें ऐड कर लेना है गोंद। गोंद मैंने लिया है हाफ कप गोंद। गोंद को भी हमने तब तक अच्छी तरह से इसमें पका रोस्ट कर लेना है तब तक ये अच्छी तरह से अपने साइज़ में डबल ना हो जाए। देखिए ये ड्राई फ्रूट्स का हलवा खाने में जितना मज़े का है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है इसके, जो कि इसमें सारी हेल्दी चीज़ें दली हुई हैं। तो जैसे कि आप, अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है तो आप खा सकते हो इसे। अगर आपकी मेमोरी अगर आपकी कम है, अगर आपको मेमोरी का प्रॉब्लम है तो आप इसे खा सकते हो। बहुत सारी चीज़ों के लिए, कमर दर्द के लिए, जॉइंट पेन के लिए, अगर आपने अभी आपकी डिलीवरी हुई है तो आप तभी इसे भी खा सकते हो। लाइक पंजेरी टाइप है ये, आप इसे खा सकते हो। बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है ये। तो इस तरह से हमने इसको एक प्लेट में निकाल लेना है और इसको हल्का सा मैंने मोटा मोटा क्रश कर लिया था। मैंने सेम कढ़ाई में ऐड कर लिया है और थोड़ा सा घी। इसमें मैंने ऐड कर लिया है उड़द दाल। उड़द दाल के बजाय आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप उड़द की दाल को स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। आप व्हीट फ्लावर भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उड़द की दाल की स्मेल बहुत अच्छी आती है, तो इसीलिए मैंने उड़द दाल को ऐड कर लिया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड को उड़द दाल वाला हलवा बहुत पसंद है, तो इसीलिए मैंने इसमें उड़द दाल ऐड कर लिया था। इसको अच्छी तरह से हमने बिल्कुल ब्राउन होने तक पका लेना है इस तरह से। अगर बीच में घी लगता है तो आप घी को बिल्कुल ऐड कीजिएगा। ये देखिएगा, इस तरह से हमने इसको पका लेना है। बिल्कुल प्योर घी आपने इसके लिए यूज़ करना है। तब ये पककर इस स्टेज पर आ जाएगा, तब हमने इसमें बाकी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेने हैं। यहाँ पर मैंने बादाम, अखरोट और पिस्ता को ऐड कर लिया है। इसको भी हमने अच्छी तरह से पका लेना है। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे तब तक ये सारी चीज़ें कम्बाइन ना हो जाए। अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। देखिए आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हो, तो 2-3 महीने के लिए आप इसको आराम से स्टोर कर सकते हो। ज़्यादा दिन भी चल जाएगा, 2 महीने के ऊपर भी होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से चल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा घी लग गया था तो मैंने ऐड कर लिया था। एंड आप इसको बच्चों को खिलाइएगा, क्योंकि अब जो वेदर चेंज हो गया है तो बहुत ही अच्छा है बच्चों के लिए। सर्दियों में तो अक्सर जॉइंट पेन और कमर दर्द वगैरह ये सारी दर्दें होती हैं। अगर आप इसको बच्चों को देंगे तो इंशाल्लाह बच्चों को भी बहुत ही पसंद भी आएगा, और जैसे कि ये खाने में जितना डिलीशियस है, इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो स्कूल पढ़ने वाले बच्चों के लिए अगर ये भी बहुत अच्छी चीज़ है मेमोरी के लिए। यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया है गुड़ को कहीं लोग उसका जो है पानी में ऐड कर ऐड करते हैं, क्योंकि पानी लगाएंगे तो ज़्यादा दिन आप इसे स्टोर नहीं कर सकोगे, तो इसीलिए मैंने उसको गुड़ को डायरेक्ट ऐड कर लिया था। यहाँ पर मैंने तकरीब अपने स्वीटनिंग के हिसाब से आप गुड़ को ऐड कीजिएगा, और उसको पकाते पकाते इस तरह का उसका कलर चेंज हो गया था और उसका चिकना भी आराम से छूट गया था।
तो मैंने स्टेज पर गैस फ्लेम को ऑफ कर लिया है। तकरीबन मुझे ये पूरी डिश बनाने में लग गए थे 2 घंटे, हलाते हलाते लिटरली माय हैंड वाज पेनिंग, लेकिन चीज़ वर्थफुल है। इस तरह से मैंने इसको, ये देखिएगा इस तरह का इसका कलर होना चाहिए तब ये रेडी हो जाएगा। आप चाहो तो इसके लड्डू बनाकर भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, लेकिन स्पून से आप चलते फिरते खाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे भी 1 महीने के अंदर ही ख़त्म हो जाएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।